सीताराम येचुरी की मौत की खबर आई है सर, कैसे देखते हैं इसको? एक क्या बताए जाए, अच्छे लोगों का जल्दी जाना ये देश के लिए भी, इंसानियत और मानवता दो किसी के लिए भी सही नहीं है। बुरे लोग तो बहुत दिन जिंदा रह जाते हैं, अच्छे लोग चले जाते। सामाजिक न्याय, सामाजिक क्रांति, आर्थिक क्रांति संघर्ष के प्रतीक थे। वैसे विचारों वाले व्यक्तित्व के लोग अब कहाँ बचे हैं, इसलिए देश के लिए और समाज के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों की आवाज कमजोर पड़ गई। सही सर, जीतन राम मांझी ने आज एक ट्वीट किया है राहुल गांधी को लेकर के, उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं बाहर, उन पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। देखिए, अब मैं, मांझी जी हमारे बुजुर्ग हैं, मैं उस पर नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन मैं उनको सलाह दूंगा कि देश के पूर्व पीएम जब बाहर जाके, जब इंदिरा जी के बारे में, अन्य लोगों के बारे में और ट्रंप को जा करके बात करते हैं, हमारी पॉलिसी समाप्त हो जाती है, हम श्रीलंका के राष्ट्रपति को यहाँ रखते हैं, हम इज़राइल जैसे देश में हम चले जाते हैं, हम रूस और यूक्रेन के झगड़े के बीच में हम पड़ जाते हैं, यूक्रेन से मिलने चाहे, तो हमारे देश की क्या स्थिति होती है? जो अब एक सही बात उन्होंने, राहुल गांधी जी ने कहा, प्लेटफॉर्म तो दुनिया के ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, पहले तो हमको यह समझना होगा, राजनीतिक अपरिपक्वता से नहीं चलती है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर हम इकोनॉमी की, हम चुनाव की बात कर रहे हैं, करना ही चाहिए। चुनाव में जो हालात और परिस्थिति हुई और जिस तरीके से चुनाव की प्रक्रिया को टाली जा रही है, महाराष्ट्र को टाला, बयानाट के चुनाव को टाला, कई विधानसभा के चुनाव को टाला जा रहा है, तो आपके अनुसार हो तो चुनाव हो, नहीं हो तो चुनाव नहीं हो, तो लगातार जिस तरीके से सभी संस्थाएं प्रभावित हो रही है और जो चुनाव हुआ है वो सही में फेयर नहीं हुआ है, तो उन्होंने जो बात कही तो बिल्कुल सही कही। तो हम तो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जब हम हिंदुस्तान के लोग पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी हैं और सारे जगह हिंदुस्तान के लोग डोमिनेट करते हैं, और हिंदुस्तान के लोगों के बीच जब हम अपनी बात रखते हैं तो हमारे लिए उचित प्लेटफॉर्म है, हम अच्छा कर सकते हैं, हमारे लिए, हमारे देश के लोग कहीं भी हैं, हमारा देश के लोग हैं। इसीलिए जो राहुल गांधी जी ने जो देश की संभावनाओं को, व्यवस्थाओं को बता रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया है सर कि अगर 20 सीटें ज्यादा आती तो भाजपा वाले, एनडीए वाले लोग जेल में रहते, जिसको लेकर के भाजपा के लोग अब ये कह रहे हैं कि उनका मानसिक दिवालियापन निकल गया है। तो ज्यादा देखिए, बात अलग बात है, सभी लोग कहते हैं जेल में, सबको लोग भी जेल डाल रहे थे, उन्होंने भी मल्लिकार सही कहा कि 20 सीट आती तो सरकार नहीं बनती, और जो उद्योगपति और पूंजीपति लगातार नेता लोग इस देश के लिए खतरा बना हुआ है, आम आदमी की निवाला को खत्म कर रहे हैं, इकोनॉमी खत्म हो रही है, सारा संस्थाएं पर हमला हो रहा है, सारी किसानों पर 302 के मुकदमे नहीं लगे, इतने किसान मर गए, इतने बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही है, तो निश्चित रूप से जो लोग इन्वॉल्व होंगे वो लोग तो जाएंगे, चाहे वो बीजेपी, अभी उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर क्या हो रहा है आप हमको बताइए ना, ये जो फर्जी इनकाउंटर चल रहा है और जहाँ इनकी सरकार है, ये सीबीआई, ईडी या सबको जेल में फंसा रहा है, अरविंद केजरीवाल जी, हेमंत सोरेन जी जो इनके दुश्मन है, तो ये क्या, ये रोपेंगे बबूल खाएंगे खजूर, ये क्या उम्मीद करते हैं कि आप किसी को जेल भेजिएगा बिना चोरी के, बिना इसके, और आप दूध के धुले हैं, और जो चोर आपके साथ चला जाए वो महात्मा गांधी है, जो ईमानदार आदमी इधर रहे वो चोर हो जाए। तो खड़गे जी ने जो बात कही है तो बात तो सही कही कि गलत आदमी जेल में होंगे, उसमें कौन बात है। सर, सीजीआई चंद्रचूड़ हैं जिनके घर पे गणपति का प्रोग्राम था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, जिसको लेकर के अब सवालिया निशान खड़ा किया जा रहा है कि क्या राजनेताओं का जजेस के प्रोग्राम में जाना जो है फैसलों पे कुछ असर नहीं पड़ेगा सर, कैसे देखते हैं? देखिए, चंद्रचूड़ जी के पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये नई परंपराओं को जन्म देना ये सही नहीं है। जज की जो चेयर है वो न्यायाधीशों का है,
देश को एक ही उम्मीद है जजों से, लोकसभा से उम्मीद थी वो खत्म हो गई। अब पदाधिकारी लोग सब बेईमान हो गए, वो न्याय कर ही नहीं सकते। कानून पूंजीपति और उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रखा चला गया, और कोर्ट भी यदि पॉलिटिशियन और पॉलिटिकल लोगों से प्रभावित हो जाएगा, और यदि पॉलिटिकल आदमी इस चीज को अपने आचरण से प्रभावित करने लगे, पहले तो 5 जज ने क्या कहा था आप वो याद कीजिए, और चंद्रचूड़ जी न्याय के लिए जाने जाते, हमें उम्मीद है कि मोदी जी जाए चाहे कोई चला जाए, न्याय प्रभावित नहीं होगा।